मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, ये है मेरे गार्डन की एडेनियम और इसे डेजर्ट रोज भी कहा जाता है। हम बंगालीज इसे मोरू गुलाब भी कहते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंस टाइप के एडेनियम के प्लांट मेरे गार्डन में है। विंटर सीजन में एडेनियम प्लांट्स डॉर्मेंसी पीरियड में रहते हैं और विंटर जाने के बाद ही ये फ्लावरिंग करना शुरू करते हैं। ये समर की बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग प्लांट है और इस समर में आपके गार्डन को अगर ब्यूटीफुल रखना है तो एडेनियम प्लांट ही आपके गार्डन को ब्यूटीफुल बनाकर रखते हैं पूरे समर सीजन में, क्योंकि बाकी के जो प्लांट्स हैं वो धूप की वजह से सूख भी जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन एडेनियम को जितना भी धूप मिलेगी वो उतना ही अच्छी तरह फ्लावरिंग करेगी, क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट है इसलिए इसे धूप बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सबसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगी एडेनियम के बारे में। इस प्लांट को किस तरह से रिपोर्टिंग करना है, किस तरह से प्रूनिंग करना है, खाद में क्या देती हूँ, फर्टिलाइजर में क्या देती हूँ, सब कुछ है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। एडेनियम प्लांट में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस प्लांट की प्रूनिंग और रिपोर्टिंग करना। विंटर सीजन में एडेनियम प्लांट डॉर्मेंसी पीरियड में चलते हैं और ये समय चले जाने के बाद यानी कि समर आने के शुरुआत में ही यानी कि फरवरी मार्च महीने में इस प्लांट की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग करनी चाहिए। तो चलिए अब मैं आप सबको मेरे एडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग मैं किस तरह से करती हूँ आप सबको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक पूरा देखिएगा। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। मेरे गार्डन में बहुत सारे एडेनियम की प्लांट्स है तो मैं सबकी रिपोर्टिंग नहीं दिखा पाऊँगी, सिर्फ दो ही प्लांट की रिपोर्टिंग करके मैं दिखाऊँगी। ये देखिए, ये दो प्लांट जिसकी अब रिपोर्टिंग मैं करूँगी और प्रूनिंग भी। तो मैंने मार्च महीने में ही इसकी रिपोर्टिंग की है, उसकी वीडियो अभी अपलोड कर रही हूँ। और ये दो एडेनियम प्लांट 3 साल पुराने हैं। तो पहले पॉट को इस तरह से धीरे धीरे ठोकने से ही ये प्लांट पूरे मिट्टी लेकर ये देखिए बाहर चली आई है। और ये देखिए पूरे भुरभुरी मिट्टी है। एडेनियम को वेल ड्रेन्ड मिट्टी चाहिए इसलिए मैंने उस तरह ही तैयार की थी 3 साल पहले। तो अभी देखिए कितने सारे रूट्स हो गए हैं और ये देखिए सामने पीछे बहुत सारे रूट्स हो गए हैं। तो इन सब रूट्स को मैं प्रून कर दूंगी। पहले मैं रूट प्रूनिंग करूंगी और उसके बाद ब्रांच प्रूनिंग करूंगी। मेरे इस पॉट की मिट्टी देखिए पूरे सूखे हैं, क्योंकि मैंने रिपोर्टिंग करने से पहले 2 दिन से पानी नहीं दी है। तो अब चलिए इस प्लांट को मैं नॉर्मल पानी में अच्छे से धो लेती हूँ। इस तरह से पूरे धो लेने से रूट्स को काटने में बहुत ही अच्छी होगी और प्लांट में जो भी मिट्टी रहेगा वो पूरे धुल चुके हैं। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर जो मेन रूट है उसको छोड़कर बाकी सभी रूट्स को प्रून कर दूंगी। और इससे पहले मैंने प्रूनर को अच्छी तरह से स्टेरिलाइज कर ली है। आप किसी भी चीज़ों से इसको स्टेरिलाइज कर सकते हैं। मैंने हैंड सैनिटाइज़र से स्टेरिलाइज की है। तो ये देखिए, ये जो छोटे छोटे रूट्स हैं इन सभी को मैं प्लांट से हटा दूंगी और बहुत ही अच्छी तरह ये काम करना है। तो देखिए मैंने इस तरह से छोटे छोटे जो रूट्स हैं उसको प्रून कर दी है। और दोस्तों एक बात ख्याल रखिएगा, जो आप
प्रून करने के लिए टूल्स लेते हैं वो बहुत ही शार्प होनी चाहिए कि एक बार में ही कट लगाने से वो कट जाए। तो मेरे सभी रूट्स देखिए मैंने कट कर दी है। ये आप खुद के अंदाज से ही कटेंगे कि कौन से रूट्स को रखना है, कौन से कट करना है। तो मैंने देखिए इस तरह से कटिंग करके एक अच्छी से लुक दे दी है इस प्लांट की। रूट प्रूनिंग करने के बाद मैं अब साफ फंगीसाइड से प्लांट को स्टेरिलाइज कर लूँगी। इसके लिए मैंने ली है 1 लीटर नॉर्मल पानी और आधा चम्मच फंगीसाइड। आप कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर साफ फंगीसाइड ली है। तो अच्छी तरह से घोलकर जिस प्लांट को मैंने प्रून कर दी है उस प्लांट को इस तरह से आधा घंटा मैं भिगो कर रख दूँगी। जिनमें कोई बैक्टीरिया अगर होते हैं तो वो मर जाएंगे। यहाँ पर मैंने और एक प्लांट ली है और इसकी देखिए ये ब्रांच थोड़ा सा गल गए हैं तो मैं इसको हटा दूँगी प्लांट से। तो दोनों प्लांट की ही आज करके दिखाती हूँ क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हैं वो एक साथ करने में बहुत ही दिक्कत होगी, वीडियो भी बहुत ही लॉन्ग बन जाएंगे। दोनों प्लांट की ही एक ही तरह केयर कर रही हूँ, वो आप सबको दिखा रही हूँ। तो अब देखिए मैंने मेरे जो प्लांट की रूट कटे हुए थे उस जगह पर फंगीसाइड की एक मलहम लगा रही हूँ। ये देखिए हल्के हाथों से सभी कटी हुई जगह पर इस तरह से फंगीसाइड लगा देना है। उसके बाद मैं ऊपर का जो हिस्सा है यानी कि ब्रांचेस कटिंग करूंगी। अब समय है ब्रांचेस प्रून करने की। तो ये जो मेरे प्लांट है ये 3 सालों से मेरे पास है और पिछले साल मैंने यहाँ से कट लगाई थी तो 2 ब्रांचेस निकले हैं और वहाँ पर फ्लावरिंग भी हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ की जो ब्रांचेस है सभी को मैं कट कर दूँगी और फिर से दोबारा न्यू ब्रांचेस ग्रो हो जाएगी। इसलिए डरने की बात नहीं है, आप बेझिझक इस प्लांट को इस तरह से प्रून कर दीजिए। और प्रून करने के बाद इस कटे हुए जगह पर जो सैप निकल रहे हैं उसको थोड़ा सा सूख लीजिए या तो किसी भी कपड़े से इस सैप को पोंछ दीजिए। उसके बाद इस कटे हुए जगह पर फंगीसाइड की एक लेयर लगा दीजिए इस तरह से। ये देने से इस जगह पर कोई भी बैक्टीरिया की अटैक नहीं होगी। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर फंगीसाइड लगा दी है इस तरह से। तो अब मैं इस प्लांट को 2-3 दिन के लिए हल्के शेडी एरिया में रख दूँगी जहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरते हैं उस जगह पर। तो फ्रेंड्स इस तरह से रूट प्रूनिंग और ब्रांचेस प्रूनिंग हो गई है। अब दोस्तों आप इस कटे हुए ब्रांचेस को भी लगा सकते हैं। तो ये जो नीचे का पोर्शन है यहाँ पर थोड़ा सा फंगीसाइड लगा के आप भीगे हुए बालू जो सैंड है बिल्डिंग बनाने की वहाँ पर लगा दीजिए। कुछ दिन बाद ही देखेंगे यहाँ पर रूट निकल जाएगी और ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरह ग्रो हो जाएगी। मेरे ये जो प्लांट है यहाँ पर देखिए ये गल गए हैं तो इस जगह पर पूरे ही अच्छी तरह से मैं कट करूँगी। तो इस तरह होते हैं बहुत बार जब पानी ज़्यादा पड़ते हैं तो कॉर्डिक्स भी इस तरह की सर जाते हैं। तो ये देखिए मैंने ख़राब जो जगह है वहाँ पर कट लगा दी है। तो ये मेरे दूसरे प्लांट है तो इसको भी मैंने इस तरह से प्रून कर ली है। ये देखिए सैप निकल रही है तो सैप को थोड़ा सा मैं सुखा लूँगी। उसके बाद मैं इस जगह पर फंगीसाइड लगा दूँगी।
तो कटाई छटाई तो हो गई है मेरे दोनों प्लांट की। अब मैं इसे दो दिनों के लिए शेडी एरिया में रख दूंगी, और आप इसे तीन चार दिन भी रख सकते हैं, उसके बाद पॉट में फिर से रिपॉट करना है। तो चलिए अब रिपॉट करने से पहले सॉइल को तैयार कर लेते हैं, और वो किस तरह मैं करती हूँ चलिए दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मिट्टी को तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैंने एडेनियम के लिए 25% सैंड और गार्डन सॉइल ली है, 25% ली है वर्मी कंपोस्ट, 25% ली है हॉर्न डस्ट और 25% ली है बोन डस्ट। अब इन सब को एक साथ मिला लेना है। बहुत ही अच्छी तरह इस मिक्सचर को तैयार करना है, और ये आपके गार्डेनियम प्लांट के लिए एकदम परफेक्ट कंपोस्ट है, और आपके प्लांट में फ्लावरिंग से भर जाएगी। अगर इस तरह से आप हर महीने में एक बार करके कंपोस्ट देते हैं, और इस तरह से कंपोस्ट देने से आपके एरिनियम की जो कॉर्डेक्स है वो भी बहुत ही मोटे होते हैं और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो दोस्तों चलिए अब इस मिक्सचर को पॉट में देते हैं। दोस्तों, एरिनियम प्लांट को कभी भी बिग साइज के पॉट में मत लगाइए, जितने भी छोटे हो और फ्लैट टाइप के पॉट हो उनमें लगाना ही अच्छा है। अब मैं इस पॉट के जो नीचे होल है उसको टूटे हुए पॉट के टुकड़े से इस तरह से बंद कर दूंगी। उसके बाद ये जो है छोटे छोटे बालू में रहते हैं वो इसके ऊपर एक लेयर तैयार करूंगी। इस तरह से दोनों पॉट में ही कर लेना है। ये देने से पानी बहुत ही वेल रेंट होके बाहर निकल जाएंगी। अब मैं इसके ऊपर से ये है पुराने प्लांट्स के रूट्स, उसको दे दूंगी। अगर आपके पास सूखे पत्ते हैं तो उसके भी एक लेयर बनाकर दे सकते हैं। ये कुछ दिन बाद कंपोस्ट बन जाएंगे। मैं तो मेरे गार्डन को क्लीन करने के बाद कोई भी चीज़ निकलते हैं तो उसको फेंकती नहीं हूँ, इस तरह से रख देती हूँ और उसी को काम में लगाती हूँ। तो दूसरे पॉट में भी मैं सूखे रूट्स को इस तरह से दे दूँगी। ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर से जो मैंने मिक्सचर तैयार कर रही थी सॉइल की उसको डाल दूंगी, और धीरे धीरे पूरे पॉट को भर दूंगी, और हल्के हाथों से इसको प्रेस कर देना है कि अंदर ये मिट्टी ठीक ठाक से बैठ जाए, नहीं तो इनमें बैक्टीरिया की अटैक हो सकती है। तो ये देखिए, मैंने दोनों पॉट में ही सॉइल को डाल दी है। अब मैं इनमें प्लांट्स को लगाऊंगी। तो ये है मेरे एरिनियम की वही कटिंग की गई प्लांट, ये अभी सूख गए हैं, दो दिन बाद मैं इसको लगा रही हूँ। तो चलिए अब मैं इसको लगा देती हूँ इस तरह से मिडिल में एक होल करके। और एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, एरिनियम की कॉर्डेक्स हर वक्त ऊपर की तरफ होनी चाहिए, नीचे की तरफ ये कॉर्डेक्स चली जाएगी तो ये बहुत ही जल्द गल सकते हैं और आपके प्लांट मर भी सकते हैं। इसीलिए कॉर्डेक्स को हर वक्त पॉट की ऊपरी भाग में ही रहनी चाहिए, और इस तरह से लगाने के बाद थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस कर देना है। तो मैंने दोनों प्रून की गई प्लांट को ही इस तरह से लगा दूंगी, और प्लांट को पॉट में लगाने के बाद इस तरह से प्रेस कर देना बहुत ही ज़रूरी एक काम होते हैं। तो अब मैं दूसरे प्लांट को भी लगा दूंगी इस पॉट में इस तरह होल्ड करके।
उसके मिडिल में मैं इस प्लांट को लगा रही हूँ। आप देख लेना कि आपके कॉर्डेक्स किस तरह रखने से देखने में अच्छे लगेंगे, उस तरह ही आपके एडेनियम की कॉर्डेक्स को फिर से लगा दीजिए। और लगाने के बाद इस तरह प्रेस करना मत भूलिएगा। पॉट में प्लांट को लगाने के बाद अब अच्छी तरह से पानी दे देना है। किसी भी प्लांट को लगाने के बाद पानी से भर देना पॉट को बहुत ही ज़रूरी होते हैं, तो अंदर की जो मिट्टी होते हैं वो सभी अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं। तो मैंने दोनों पॉट में ही अच्छे से पानी दे दी है और ये देखिए पानी कितनी जल्दी नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये मिट्टी बहुत ही भुरभुरे है। और मैं नीचे से दिखाऊंगी कि पानी किस तरह से बाहर की तरफ वेल ड्रेन्ड हो रही है। तो ये देखिए नीचे देखिए पानी निकल रहे हैं। तो इस तरह से ही आपको प्लांट लगाने के बाद पानी दे देना है। लेकिन आप एडेनियम प्लांट को समर के सीज़न में 2-3 दिन छोड़ के पानी दीजिएगा, और विंटर सीज़न में हफ्ते में एक बार पानी देने से ही चलेगा, क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट है। इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा पानी देने से एडेनियम की रूट्स और कॉर्डेक्स दोनों ही गल सकते हैं, इसीलिए सोच समझ कर ही इस प्लांट को पानी देना है। ज़्यादा पानी कभी भी नहीं एडेनियम प्लांट को। तो दोस्तों, मैं तो इस तरह ही मेरे एडेनियम प्लांट की केयर करती हूँ, जो मैंने अभी अभी दिखाई है। प्रूनिंग, रिपोर्टिंग और कंपोस्ट देना, ये सभी इस तरह अगर करते हैं तो आपके प्लांट में भी मेरी तरह बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये है मेरे चैनल का नाम, आई लव गार्डनिंग सो मच। तो फ्रेंड्स, और भी कुछ बातों की याद रखिएगा, जो करने से आपके प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक एडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं की है, उन लोगों को मैं कहूँगी कि अगर टाइम ना मिले तो इस तरह भी आप आपके प्लांट को बूस्ट कर सकते हैं, तो उससे भी आपको अच्छी रिजल्ट मिलेगी। तो ये जो मेरे प्लांट हैं, इनमें बहुत सारे बर्ड्स आए हैं, तो मैं इसको रिपोर्टिंग नहीं करूँगी अभी, मैं ऊपर से ही कंपोस्ट दे दूँगी। तो ये वही मिक्सचर है, हॉर्न डस्ट, बोन डस्ट और वर्मी कंपोस्ट, इस तरह एक साथ मिलाकर आप इस प्लांट में दे सकते हैं। तो देखेंगे आपके प्लांट में भी इस समर में बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग होगी। एडेनियम डेजर्ट रोज है, इसलिए आप इस प्लांट को जहाँ भी रखेंगे इनमें फुल सनलाइट मिलती रहे, इस बात की ज़रूर ख्याल रखिएगा। कभी भी मत डरिएगा कि फुल सनलाइट में रखने से ये प्लांट ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ये तो डेजर्ट रोज़ है, इसको धूप बहुत ज़्यादा चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिलेगी तो आपके प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग होगी। तो मैंने इस तरह से जो कंपोस्ट अभी तैयार की है वो दे रही हूँ, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और इस प्लांट में जब फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी तब मैं इसको रिपोर्टिंग फिर कर सकती हूँ। सालों में विंटर सीजन को छोड़कर सभी समय आप एडेनियम प्लांट को रिपोर्टिंग कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। वो मैंने अभी अभी दिखाई है आप सबको, तो उस तरह से ही आप रिपोर्टिंग कीजिए। तो देखेंगे आपके एडेनियम के प्लांट में साल भर फ्लावरिंग भी होगी और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ भी होगी। तो दोस्तों, देखे हैं आपने, अभी अभी मैंने पानी दी है और पानी नीचे की तरफ ये देखिए वेल ड्रेन्ड हो गई है। तो इस तरह ही एडेनियम की सॉइल को आपको तैयार करना है। तो मेरे पास तो बहुत सारे एडेनियम की प्लांट्स है, मैं आप सबको दिखाती ही रहती हूँ, और सभी प्लांट्स में देखिए फ्लावरिंग से भर गए हैं।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने 10 टिप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट शेयर की है आप सब से जो एरिनियम प्लांट की ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए है। तो आप लोग भी इस 10 टिप्स को बहुत ही अच्छी तरह फॉलो कीजिए तो आपके प्लांट में भी फ्लावर से भर जाएगी। तो दोस्तों क्या अभी तक आपने एरिनियम प्लांट की रिपोर्टिंग प्रूनिंग नहीं की है तो अभी जाके जल्दी से कर लीजिए क्योंकि समर की अभी शुरुआत है और बहुत दिन बाकी है समर सीजन की। तो अभी भी आप इस प्लांट को रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कॉमेंट्स कीजिएगा और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और मेरे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू।